नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्री हंस इंटर कॉलेज मदद अली का पुरवा रौजा गांव में रुदौली विधायक रामचंद्र यादव द्वारा कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। श्री हंस इंटर कॉलेज में बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए लगातार हर प्रकार की सुविधाएं प्रबंधक सतीश कुमार यादव द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म को मद्देनजर देखते हुए कॉलेज में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ। हर विषय के अध्ययन के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर के बारे में भी शिक्षा प्रदान करते हुए बच्चों को कंप्यूटर चलाना भी सिखाया जाएगा तथा शिक्षक द्वारा लगाए गए प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया भी जाएगा। हम आपको बताते चले कि दिन शुक्रवार को श्री हंस इंटर कॉलेज में रुदौली विधायक श्री रामचंद्र यादव के कर कमलों द्वारा फीता काटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य अमृत लाल यादव व प्रबंधक सतीश कुमार यादव द्वारा विधायक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। विधायक रामचंद्र यादव ने कॉलेज के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ सर्वांगीण विकास की कामना की। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है श्री हंस इंटर कॉलेज। कंप्यूटर लैब प्रारंभ होने पर एक शिफ्ट में 20 बच्चे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। रुदौली क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय माना जाता है श्री हंस इंटर कॉलेज। कंप्यूटर लैब उद्घाटन के अवसर पर प्रधानाचार्य अमृत लाल यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र यादव, प्रबंधक सतीश कुमार यादव, रक्षा राम यादव, विष्णुकांत मिश्रा, अश्वनी कुमार जौहरी, विनोद कुमार सिंह, मुकेश कुमार यादव, देशराज यादव, वेद प्रकाश यादव, राजकुमार यादव, सहायक अध्यापिका बेबी तिवारी, जैनब फातिमा, रीता यादव, नीतू यादव, पूजा यादव। आज श्री हंस इंटर कॉलेज मदद अली का पुरवा कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी के द्वारा। बहुत दिनों से बच्चों की मांग थी कि कंप्यूटर विद्यालय में सिखाया जाए, इसलिए कंप्यूटर की व्यवस्था की गई और आगे भी जो भी नए आसिना बानो। हमारे विद्यालय में आने जाने की मतलब बस और वैन है और कैमरे हर क्लास में लगे हैं और अब कंप्यूटर की भी सुविधा हो गई है और शायद आगे चल के भी और अच्छा अच्छा हर चीज़ की सुविधाएं हो जाएं। विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? मेरे स्कूल में पंखा है और हर कमरे में क्या है, कैमरा लगा है, बस है स्कूल में और कंप्यूटर लैब है और सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं और ढेर सारी सुविधाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। कहाँ से आती है? मटौली से। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, उनको सीखने के लिए जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया बनाना, तो इससे कंप्यूटर शिक्षा से सभी बच्चे जो है सीखने में जो है साक्षर होंगे और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि जो आज का समय चल रहा है वो कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर युग की जानकारी बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री सतीश कुमार यादव जी ने कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करवा के कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करवाया, जिससे बच्चों को देखिए आज श्री हंस इंटर कॉलेज में एक भव्य कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ। काफ़ी समय से बच्चों में ये उल्लास भरा हुआ था कि विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा सही ढंग से दी जाए, लेकिन दो साल कोरोना के चलते विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, व्यवस्था होने में दिक्कत हुई। इस वर्ष प्रबंध तंत्र ने काफ़ी प्रयास किया और चूँकि आज का युग कंप्यूटर का युग है, बच्चों को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होना अनिवार्य है, चाहे बालिकाएं हों चाहे बालक हों, कंप्यूटर की शिक्षा उनके लिए अनिवार्य मानी जाती है। इसलिए संस्था ने बच्चों को सिखाने के लिए लगभग 50 सिस्टम की व्यवस्था की है। एक साथ कम से कम दो बच्चे एक सिस्टम पर काम कर सकते हैं और अच्छी और गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को देने की का प्राविधान बनाया गया। देखिए हमारा जो ये हंस इंटर कॉलेज है,
इसकी स्थापना से लेकर के अब तक का जो पड़ाव रहा है, निश्चित रूप से हंस इंटर कॉलेज की स्थापना के समय जो हमारे संस्थापक सदस्य यादव जी थे, उनके जो सहयोगी थे, उनका एक पवित्र भाव था कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में हम अपने ग्रामीण प्रवेश के जो बच्चे हैं, जो हमारे कल के कर्णधार नौनिहाल हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा देने का हम इंतजाम करेंगे। उसी क्रम में ये व्यवस्था आगे की जो पीढ़ी है उसको और बढ़िया करने के लिए हंस इंटर कॉलेज के प्रबंधक के द्वारा दी गई है और आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। मैं इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे कॉलेज परिवार को, पूरे कॉलेज के जितने शिक्षक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके सुखद मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये विद्यालय तरक्की करे और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।